हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अब जो है सबके रंग भी उतर गए होंगे होली में। जो भी कच्चा पक्का रंग यहाँ वहाँ लगा होगा सब उतर गया होगा। मेरे भी ज्यादा कोई रचा ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर हर्बल कलर यूज कर रहे थे। हाँ, जो वो पक्के रंग होते हैं मैं तो वैसे ही भाग जाती हूँ। तो मैं वो वाली खूब धमाल वाली होली मैं खेलती नहीं हूँ, पर इंजॉय बहुत किया। और आपने मेरे ब्लॉग भी देखे होंगे कि कितना कितना मैंने डांस किया, मतलब कितने सालों के बाद मैंने किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब अभी मैंने रिसेंटली एक वेडिंग में किया था और अब जो है होली पे मजा आ गया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। पार्टी वाज ऑसम। आई होप आपकी वो होली भी बहुत अच्छी गई होगी। और थोड़ा बहुत रंग जो इधर उधर बच गया होगा आपको लगा हुआ, वो धीरे धीरे करके उतर जाएगा। और फाइनली जो है एक बार फिर से मेरी किटी आ गई है। तो एक मैंने दूसरी मेरी किटी है, उसका मैं व्लॉग बना रही हूँ आज, क्योंकि आज मुझे जाना है किटी पार्टी के लिए। और उसके लिए देखिए मैंने मेकअप भी किया है, और ये मेरा आई मेकअप भी किया आज मैंने। तो इट्स लाइक आई वॉज ट्राइंग, क्योंकि ये वाला मैं शिमर वाला जो मेकअप होता है ये मैं डे में तो नहीं करती हूँ, लेकिन और वैसे मैं मेकअप थोड़ा कम ही करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जस्ट ट्राइंग की चलो भाई जब किया है फील आनी चाहिए कि हाँ बाहर गए हैं तो अच्छा भी लगता है। तो मैंने सब मेकअप वेकअप करके मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ बाहर। और एज यूजल इट्स लाइक मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खूब फन करेंगे, मजे करेंगे। आप मुझे कंपनी करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस भी, अगर आपने कभी कोई किटी सेम की है या गेम किया है या सेम वेन्यू पे गए हैं तो वो जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो है पीकू मेरे साथ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके डैडी घर पर नहीं है, वो ऑफिस में है। तो मैं और मेरी बेटी फुल एंजॉय करेंगे विद माई फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के भी बेबीज आ जाते हैं तो उसके लिए भी हो जाता है कि हाँ गुड टू हैव। तो इसके साथ ही मैं आज आपको चलिए लेके चलती हूँ अपनी किटी पार्टी में, मिलती हूँ आपसे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और मैं आपको जिस जिसको विश नहीं कर पाई पहले या नहीं विशेस गई हैं हैप्पी होली की, तो मैं उनको विश करती हूँ हैप्पी होली। और नवरात्रे आने वाले हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन अब शुरू हो जाएगी, और होपफुली सबके जो है सारे त्यौहार बहुत अच्छे जाएंगे। जैसे अभी तो मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, आई एम सो सुपर एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। और लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि अब न्यू सेशन भी शुरू होने वाले, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो मदर्स मस्ट बी बिजी, एवरीबडी इज लाइक। चलिए अब मैं आगे मिलूंगी आपसे। देवे को खांसी हो रही है। ओके, अब मैं आपसे आगे मिलूंगी किटी पार्टी में, जब हम यहाँ से निकलेंगे वहां से मैं शूट करूंगी। तो चलिए मिलते हैं आगे, बने रहिए व्लॉग में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मुझे भी ले जाना, ये भी लाइन में है। हाय, वेरी चार्मिंग लेडी। पीकू इधर आ चुके, इधर आ चुके। आज मैं बहुत कंफ्यूज हुई हूँ वैसे ड्रेस चूज करने में। मैंने 3 ड्रेस चेंज करी आज। छोटे छोटे क्लिप्स बनाती हैं, होते हिलते डुलते हैं, बट शी इज लाइक गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाई डे। हेलो गाइस, दिस इज द व्लॉग। वी मेड इट लाइक रूफ पे हम लोग बटर चिकन बना रहे थे, तब शी स्टार्टेड हेलो गाइस वी आर मेकिंग बटर चिकन ऑन द फ्लोर। लाइक ओह माय गॉड, मेरे को तो नहीं भेजा। तो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए, और कुछ फोटो शूट कर लिया जाए उससे पहले कि प्रोग्राम शुरू हो जाए। और ये हमारी आ गई क्यूट सी होस्ट, एंड दीज आर द मेंबर्स, एंड हम काफ़ी जल्दी आ गए। तो भाई हम लोग तो भाई पंक्चुअल निकले, बाकी एवरीबडी इज कमिंग, सो कांट गेस। कई बार ट्रैफिक हो जाता है, यू डोंट हैव द राइट सिचुएशन जब आप रीच कर जाएं, हमारे साथ भी होता है। तो बट हम लोग यही समझ रहे थे भाई खुशी तो होती है पहले पहुंच के, नो डाउट। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को भी वेलकम कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे पीकू ने कैमरा होल्ड किया हुआ है कि भाई पीकू अब एक्सपर्ट होती जा रही है। हाँ देखो कितना प्यार से, कितना सही सही कैमरा पकड़ा हुआ है, आई एम सो प्राउड ऑफ।
एंड शी इज़ जस्ट हेल्पिंग मी आउट, और ये भी लर्न कर रही है कैसे मम्मी जो है किटी में पार्टिसिपेट करती है, तो शी इज़ लाइक लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स. उसको देख के ऐसा लगता है अच्छा कभी हम इसमें आते भी थे, मतलब है वो फिटिंग की है, वो लगता है उसमें हम कभी आए भी थे. ड्रेसेस लगती है ये भगवान तो मेरे 40 या 50 तो कभी नहीं हुआ, वाज ऑलवेज ऑन द फ्रंट साइड. अलग अलग डिस्कशन चल रहा है अगलों का. हाँ क्या ये कौन आया है, ये कौन जानी सी तो लग रही है. हेलो इधर तो आ रही है, मिल लो सबसे. आजा आजा, हाँ तुम्हारा हो गया हो तो बता. पैसा दो रुपए नहीं है. दिखाओ मेरे को सब, तुम लोग पर्स ले चलो. मैं तो वीडियो ही बना रही हूँ, ये जाएगा उसमें रिकॉर्ड के लिए. हाँ ये ब्लॉग में जाएगा लाइव एकदम ऐसे. अमीरों वाली फीलिंग आ गई सडनली. फर्स्ट फाइनली टाइम आ गया है जब हम खेलने लग गए हैं तंबोला. और मैं बताऊं रिसेंटली मुझे तंबोला में इतना मज़ा आने लग गया है, या कहें तो जीतने का इतना चाव चढ़ गया है कि जब भी तंबोला की टिकट सर्व होती है ना एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है कि अब नाउ बी रेडी, नाउ इट इज़ योर गेम, जस्ट गो फॉर इट. ऐसा मन में ना पूरे एक्साइटमेंट आ जाती है एंड आई रियली लव इट. तो मैंने तंबोला पहले बहुत ज़्यादा नहीं खेला हुआ है, लेकिन अब जो मतलब फ्रेंड्स के साथ खेलने में एंड एवरी टाइम व्हेन यू गो एंड आप कुछ भी कर लो, आपने जो छोटे से छोटा अमाउंट भी अगर प्राइज में जीता है ना तो सीरियसली वो बहुत प्यारा लगता है. वो तो मतलब ऐसा लगता है विनिंग अ ट्रॉफी. इतने में मेरी डॉटर जो है वहाँ पे पीकू ये बना रही थी कुछ आर्टिस्टिक वर्क, तो शी गेव मी दिस आर्टिस्टिक कार्ड. और बच्चे उधर दूसरी तरफ जो हैं वो अपना अलग से खेलने में बिजी हो रखे हैं, तो इतने में हम लोग यहाँ खेल रहे हैं. हाँ पीकू को भी चाहो टिकट ज़रूर लेती है. हाँ अब वो कितना खेलती कितना नहीं वो अलग बात है, लेकिन चलो इंटरेस्ट तो उसका है कि वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहती है. बट बच्चे जो हैं हमारे साथ जो हैं रह के कुछ नया ही सीखते हैं, और कुछ नहीं तो ये गेम खेलना तो मेरे साथ सीख गई है अभी. अच्छा मुझे जो है अच्छा कॉम्पिटिशन देगी आई थिंक. हाँ सो नाइस, घर पे भी खेलेंगे तो इसको पता होगा कि यहाँ ये गेम कैसे खेलना है. तो नाउ हियर, और इस गेम में मैंने एक सिंगल प्राइज जीता था, और उसके अलावा बाकी काफ़ी लोग लकी निकले और अलग अलग सब ने कुछ ना कुछ यहाँ पे जीता, कुछ ने नहीं भी जीता तो क्या हुआ, उन्होंने दिल जीता. तो इसी के साथ हम लोग खेल रहे हैं अपना तंबोला. नहीं तंबोला खेलते हुए खिलाड़ी कम जुआरी ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा है इतने सटीक तरीके से. देखो हमें मत देना, हमें तो हम तो ऐसे ही बैठे हैं. हाँ तो कैमरा जो है कीर्ति पे रुके जा रहा है सी ब्यूटीफुल लेडी. ओहो हो जूम कर रही हूँ मैं, पर ये तो जोड़ा खास बैठा है.
और ये किटी में मैंने जीते हैं 100 रुपीज़, एक प्राइज़ जीता मैंने। वैसे भाई लास्ट किटीज़ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं कई सारे प्राइज़ जीती हूँ, तो उसके मुकाबले में तो मैंने चलो, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि एक प्राइज़ जीता, पर भाई आप कुछ ना कुछ तो जीत गए, इसकी भी खुशी होती है। तो भाई ज़्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है, वी कैन ट्राई। और यहाँ पर टिकट बड़े स्पेशल वाले दिए थे हमारी होस्ट ने, ये रीयूजेबल टिकट्स हैं, जस्ट आप इनको ऐसे हुक करिए और फिर वापस इसको सीधा करिए, रीयूज़ हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा है। मेरे पास तो खैर दूसरी सिंपल वाली तंबोला टिकट्स हैं, जो वन टाइम यूज़ वाली हैं, वो कट करके उनको आप फिर यू कांट यूज़ दैम अगेन, बट ये वाली टिकट्स काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि भाई आप इसको फोल्ड करके मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। पहले भी मेरी कई टिकटीज़ में हम लोगों ने यूज़ करी ये वाली टिकट्स, बट पेन वेन चला देते, तो आज हमने जो है कोशिश करी कि पेन वेन ना चलाएं। तो अगर आपके पास पेन नहीं भी है तो भी ये अच्छी बात है कि पेन की डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाती है, इट्स अ नाइस वन। कितनी बच्ची है, कौन से नंबर पे खेल रहे हो ना? बढ़िया, वो सेफ्टी टीचर लग रही है, हम लोग सब फ्रेंड वाले थे, बैठे हुए टीचर। दीप्ति व्हाट वाज द लास्ट नंबर? 77। हां ओके, 83 83। वाओ, पांच गॉड इज ग्रेट, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा। Now it is done, na? All are revealed. Yes. चलो रख दो। But this is reusable. It's quite good. You can reuse it, na? Don't you? I have the one time use and go. I don't have the reuse, but this is very nice. Number say, number say. Haan. We thought of, but now पैसे बचेंगे तो रखने वाला थी, पैसे बचेंगे अभी। Now तुम लोगों ने सब उड़ा दिया हमने। It's good to have, it's okay. फिर अगर पंचुअलिटी रखने तो 500 रुपए रखो, 500 नहीं सबसे लेके, सबको लगना भी तो चाहिए जल्दी आए, वो तो होता है जो आपके साथ, जैसे हम लोग यू वर देयर, डोंट टेल मी। हेलो, तुम खेल रहे थे ना? हाँ, मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, आपने देखी है ना? बहुत अच्छे से आए हो, भागो ये लो। बेटा आपको दूंगी ना, आप दूसरी उस पर बैठोगे, उधर पाव भाजी की भाजी, उधर दूसरी टेबल पाव भाजी की भाजी, आप मेरे पास बैठोगे, पाव भाजी की भाजी यही बैठना है। मिवान की आप बस लिखवा लोगे, ठीक है? अभी देख, ये अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो कोशिश करे, एंजॉय करे नेक्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ले लो ना, हम ले लेंगे, इतना भी मत बनो। हाँ जाएंगे, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। यू गॉट कैश, यू गॉट कैश, यू बाय अ गिफ्ट फॉर योरसेल्फ नाउ। अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं नहीं, यू शुड दिस इज योर पर्सनल। क्या चीज था? मेरे किट्टी के पैसे। हाँ, रिमेनिंग थिंग्स आर रेगुलरली दे आर डूइंग ना, दिस इज स्पेशली फॉर यू।
तो ये हमने कर लिया यहाँ पे डिनर और हमारी किटी पार्टी इज ऑलमोस्ट लाइक टू कमिंग ऑन एंड एंड उससे पहले कि भाई सब अपने घर वापस हो लें तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अब कुछ रील्स, कुछ फ़ोटो खींचेंगे, कुछ थोड़ा सा फ़न हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग बाहर जा रहे हैं और ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है और इस बार इन्होंने हमें ये बुकिंग के बाद हम लोगों ने स्पेस ये प्राइवेट वाला लिया और यहाँ पे कुछ म्यूज़िक भी बज रहा है तो लास्ट में हम लोग कुछ डांस वांस करेंगे। तो ये बाहर आ गए, हम लोग बना रहे हैं ये ब्यूटीफुल रील्स। ये रील्स आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे विद माय नेम ओनली पूनम खत्री एंड दिस ब्यूटीफुल लेडी मी, यानी कि मैं, मेरी फ़ोटो आपको दिख जाएगी वहाँ पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर और अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब पे भी इस वाले वीडियो के नीचे ज़रूर लिखेगा कि आपका अपनी किटी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है पार्टी के साथ में और क्या आप इतना ही इंजॉय करते हैं या इससे भी ज़्यादा धमाल मचाते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे जो है ब्यूटीज़ जो हैं वो कैट वॉक कर रही हैं, रैंप वॉक कर रही हैं और हम इनको कैप्चर कर रहे हैं, सब एक दूसरे को कैप्चर कर रहे हैं और अपने अपने इंस्टा पे जो है सब हम लोग ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो हैं अपलोड कर देंगे सो दैट हमारे लिए मेमोरेबल हो जाए। और जब भी हमारी लाइफ में हम कहीं पर भी हैं कि कुछ भी कर रहे हैं तो हमको पता है कि भाई ये मोमेंट्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। सो इट्स सो सुपर्ब, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही रहता है वैसे। चलिए अब हम इसको क्लोज करने वाले हैं और चलते हैं अभी यहाँ पे हम डांस करने के लिए। ओह तुम कितनी गोरी हो, तुम कितनी काली हो, कितनी छोटी हो, कितनी लंबी हो, लोगों की नज़रों से देखोगी तो शायद कभी परफेक्ट नहीं हो पाओगी। तो अपनी लाइफ को खुद जियो और मज़े करो, जस्ट चिल, और अपनी परफेक्ट की डेफिनेशन खुद ही डिफाइन करो।